एशियन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केटन खिलाफत न्यूज। बड़ी अपडेट श्रावस्ती से आपको बताएंगे। पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। दरअसल श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के दर्जीपुरवा गांव निवासी वाजिद अली नाम के युवक को पुलिस कुछ दिन पहले छेड़छाड़ और SC ST के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाई थी। उसी युवक की आज पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मौत की खबर सुनते ही परिजनों और गांव के लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी होने पर SP, SSP और CO सहित काफी संख्या में पुलिस फोर्स व PSC के जवान मौके पर पहुंच गए। यह हंगामा घंटों तक चलता रहा। मामले में SP ने तत्परता दिखाते हुए SO विनोद कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया। आइए जानते हैं पूरी अपडेट केटीएन खिलाफत न्यूज श्रावस्ती। अध्यक्ष कांग्रेस मोहम्मद नसीम चौधरी एडवोकेट जी। सर, मुझे सूचना मिली है 12 बजे, आज 8-10 दिन से इस बच्चे को थाने में रखा गया है और उसको पर डे पीटा गया है। लगातार पीटने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी बॉडी अभी तक नहीं पता जी। मैं सूचना कब एडिशनल साहब से बात कहा, उन्होंने अभी बताया है मुझे कि उसको न्याय मिलेगा। अगर उसको न्याय मिलता है तो हम सब जितने जनता है उनके परिवार को सुरक्षित उसके घर पहुंचाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे, यहीं रुके रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और जो भी प्रशासन को करना, अगर हमको जेल भेजना है तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उस परिवार को न्याय चाहिए। न्याय के बगैर मैं यहां से खिसकूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर बार पुलिस इस नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस जनपद श्रावस्ती में नहीं होगा, क्योंकि यहां कांग्रेस का सिपाही खड़ा हुआ है। इसलिए इस जनपद में ऐसा नहीं होगा। यहां कांग्रेस का खड़ा हुआ है, प्रदेश तक सूचना दे दी गई है, प्रदेश के भी लोग आ रहे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे। बॉडी मिली आपको? अभी हमको बॉडी नहीं मिली, अभी एडिशनल साहब हम लोगों को बाहर कर रहे हैं। दर्जीपुरवा पड़ता है थाना गिरौला अंतर्गत। यहाँ पे एक वाजिद अली नाम का एक व्यक्ति है जिसको थाने पे था, और इसने आज जो है थाने पे जो बाथरूम है वहाँ पे जा करके, इंस्पेक्टर का कहना है कि जब उसको खोला गया, बहुत देर तक वो बाथरूम से नहीं निकला, तो रस्सी पे लटका हुआ था। इस संबंध में मुझे ये भी बताना है कि ये इस युवक के ऊपर एक SC ST और 354 का मुकदमा कुछ दिन पहले लिखवाया गया था, उसी सिलसिले में इसको थाने लाया गया था। इस पूरे प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। जो भी हमारे इंस्पेक्टर हैं, जो उस समय तत्कालीन पोस्ट थे, उनको जो है निलंबित कर दिया गया है, और परिवार वालों के जो भी तहरीर आती है उस पर हम मुकदमा दर्ज करेंगे और इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी होगी, और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़ी अपडेट रायबरेली से आपको बताएंगे। लालगंज कोतवाली क्षेत्र नरपतगंज पुलिस चौकी के कुंडवल गांव से लापता बालक दीपक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाग से बरामद हुआ है। पता चला है यहीं पर लापता बालक की चचेरी बहन रूवी के अवशेष भी पुलिस को हासिल हुए हैं, जिसमें बालिका के अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। इस तरह एक ही परिवार के दो बच्चों के साथ घटित जघन्य अपराध को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। जानकारी के अनुसार विगत दिनों कुंडवल गाँव से रूबी नाम की बालिका लापता हुई थी। उसी के कुछ दिन बाद उसका चचेरा भाई भी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व 11 साल का दीपक गांव के पास खेतों में जानवर चरा रहा था, तभी गांव की ही एक युवती ने उसे घास हटाने के लिए बुलाया। इस दौरान कार से आए बदमाश जबरन बच्चे का अपहरण कर ले गए। घटना की खबर पाकर अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद रॉय एवं ADM प्रशासन राम अभिलाष गांव पहुंचे और परिजनों और ग्रामीणों से कई घंटों तक पूछताछ करते रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संवत किसी परिषद द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। आइए जानते हैं पूरी अपडेट केटीएन खिलाफत न्यूज रायबरेली। पुड़वल गाँव है, थाना क्षेत्र लालगंज का, और यहाँ में 19 तारीख को पिछले महीने 19 अगस्त को एक सूचना मिली थी एक 8 वर्षीय बच्ची के गायब होने की। उसी क्रम में हमने तत्काल प्रभाव से बच्ची की गुमशुदगी लिखी थी और पूरी टीम ने लगभग सप्ताह भर तलाश किया था उस बच्ची को, जिसमें लखनऊ से PSC का भी सहयोग लिया गया था और विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से, साथ ही साथ परिवार के सहयोग से बच्ची को तलाशा गया था। दुर्भाग्य से हमें 7 दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद भी पता नहीं चल पाया था बच्ची का। इसी क्रम में 1 तारीख को अभी सितंबर में इसी महीने एक और जानकारी मिली कि इसी बच्ची का एक चचेरा भाई है, 11 वर्षीय दीपक, जो उसी तरीके की परिस्थितियों में गायब हो गया है। संभवतः अपने किसी परिवार की सदस्य के साथ निकले थे दोनों बच्चे और एक एक करके गायब हो गए। तब हमको ये चीज़ बहुत ही
काफ़ी गंभीर भी लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही परिवार के दो बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर गायब हो गए हैं। इस क्रम में दीपक की भी गुमशुदगी लिखी गई और उनकी सघन तलाशी की गई। पिछले दो दिन की बहुत मेहनत के बाद चार थानों को इसमें लगाया गया। प्रशासनिक पुलिस अमला सब मुस्तैद रहा। ग्रामीणों की मदद से हमने अभी लगभग 3 घंटा पूर्व जो बच्चा है दीपक, उसकी डेड बॉडी हमें यहीं गांव के जंगलों से बरामद हुई। उसके बाद हमें शंका हुई और हम लगातार जो तलाश रहे थे रूबी को, जो कि पहले से इसमें गुमशुदा थी, तो उसी क्रम में इसी जंगल के दूसरी तरफ जो हमने देखा तो कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बॉडी के, जो लगभग उसी उम्र के हैं और प्रतीत होते हैं किसी बच्ची के। तो अभी प्रथम दृष्टिया ये बॉडी उसी बच्ची की लग रही है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन जो होगा वो डीएनए और पीएम के आधार पे होगा। अभी दोनों बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक की पड़ताल में हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं और उसके आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग दोनों बॉडी रिकवर कर पाए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस प्रकरण का पूरा खुलासा आपके सामने होगा।